हे गाइस, व्हाट इज़ अप, कैसे हो सारे के सारे। तो गाइस, इस वाले वीडियो पे बस देखना मेरे साथ क्या होने वाला है। मतलब मैंने गलती से किसी का फ़ोन आ गया था, तो मैं उठा के बात करने लगा और उसी के साथ मैं खेल रहा था, तो मेरे 10 किल उसी बीच निकल गए और मेरे बात करने पे रिकॉर्डिंग बंद हो चुका था, तो 10 किल उड़ गए फर्स्ट के। मगर चिंता मत करो, उस 10 किल में 5 तो बोट ही होंगे और बाकी के 5 रियल होंगे, तो कोई बात नहीं, होता है गाइस। तो आप लोग आगे का गेम प्ले इन्जॉय करो। तो अब जब मुझे मालूम चला कि मेरा गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो मैं जल्दी से उसका कॉल काट के अपने गेम प्ले रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। यहाँ पे बहुत सारे बंदों को मैंने लुढ़का दिया था और मेरे तीनों टीममेट्स भी ख़त्म हो चुके थे। और तभी यहाँ से एक गाड़ी क्रॉस करती है, जिससे मैं एक दो बुलेट फायर करके रोकने का कोशिश करता हूँ, मगर वो गाड़ी निकल जाती है यहाँ से। मगर कोई बात नहीं, वो गाड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पे आने वाली थी। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिब्बे गिरा रखा था, तो मैं एक एक करके सबको लूटूंगा अच्छे से। यहाँ पे मेरे पास DP और M4 थी, लेकिन मेरे को AKM पे स्विच करना था, तो मैं AKM ढूंढ रहा था। और यहाँ पे मेरे को AKM मिल भी जाती है और साथ ही साथ एक प्लेयर भी मिल जाता है। तो मेरे बैग में बिल्कुल भी जगह नहीं हो रहा था स्मोक वोक रखने का, और इसी बीच वो वाली गाड़ी फिर से पलट कर आती है, जिससे मैं फिर से एक दो बुलेट मार करके रोकने का कोशिश करता हूँ, और वो गाड़ी रुकती भी है। आगे एक बंदे को देख के तो वो इजीली मार देती है, लेकिन मैच बदले में वो दोनों को बहुत ज़्यादा ही लीड कर देता हूँ। और एक बंदे को अब नॉक करने के बारी था, तो मैं वो उसको नॉक भी कर देता हूँ। और एक बंदा तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ बन रहा था, गाड़ी लेके निकलने के पूरे प्लान पे था, मगर भाई गाड़ी पे तो स्प्रे करना अब सबको ही आता है। अब मुझे याद आता है कि मेरे पास एक फ्लेयर है, तो मैं फ्लेयर को चला देता हूँ। फ्लेयर को चला देने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब फ्लेयर लूट लिया था, AWM उठा लिया था। तो ये देखो गाइस, मतलब ब्रिज के रेलिंग से नीचे गिर गया मैं गलती से। तो मैं चाह रहा था, मतलब नहीं चाह रहा था कि यहाँ ब्रिज ब्लॉक हो, मगर ब्रिज ब्लॉक तो नहीं, कैंप होता है, एक बंदा कैंप करके बैठा हुआ था। भाई क्या मतलब होता है तुम लोगों का, एक बंदा ब्रिज कैंप कौन करता है भाई। एक स्क्वाड अगर ब्रिज कैंप करे तो चांसेस भी होते हैं कि मतलब बच जाओ, लेकिन एक ही बंदा यहाँ पे शायद सोलो भी स्क्वाड खेल रहा हो या इसकी स्क्वाड मर गई हो। अब यहाँ पे जब मैं स्कोपिंग किया था, तो मुझे आगे एक तरफ एक गाड़ी जाती हुई दिखी थी, लेकिन मुझे एक बंदा भी दिख जाता है यहाँ पे ट्रक के पीछे। तो मैं चाह रहा था कि बस एक बार वो पीक कर दे, और ऐसा होता भी है, वो एक दफ़ा पीक तो करता है मगर डायरेक्ट लॉबी में पहुँच जाता है। कोई बात नहीं ब्रो, मेरे हम लोग के साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। अब मैं देख रहा था कि क्या पता आगे के जो गाड़ी क्रॉस की थी वो शायद आगे रुकी हो, मगर ऐसा होता नहीं है। अब वहाँ से मैं थोड़ी बहुत कुछ लूट करके आ जाता हूँ इस तरफ, और मुझे लग रहा था कि इधर एक गाड़ी रुकी होगी जो आगे से क्रॉस की थी, मगर यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो अब वहाँ से मैं घूम फिर के आ जाता हूँ इस जगह पे, जहाँ पे मुझे सामने ही की तरफ एक ड्रॉप स्पॉट होता है और उसके बाजू में ही एक गाड़ी थी, इसे मैं AWM से गाड़ी को डैमेज दे देता हूँ 2-3 एमओ का, मगर बंदे पे एक भी शॉट नहीं लगता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है गाइस AWM से गाड़ी पे शॉट लगा दो। मगर मैं गाड़ी को बहुत ज़्यादा लीड कर चुका था और मे बी उसका एक टायर भी फूट चुका था, तो मुझे डायरेक्ट उस पर रश करना था, क्योंकि मुझे पता था कि उसके कार का स्पीड तो इतना होगा नहीं कि वो बाइक से जीत जाए, और वो लोग आगे जाके रुक भी जाती है, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और आगे की तरफ फायर हो रहा था, तो मुझे मालूम चल गया था कि यही बंदे हैं जो आगे की तरफ रुक चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे को बंदे स्पॉट हो जाते हैं, जिसमें से एक को मैं इजीली डाउन कर देता हूँ,
और गाइस अभी इसका दूसरा बंदा देखना, मतलब ओपी बंदा था यार, मतलब जहाँ से फायर हो रहा है वहीं आ रहा है। तो मैं इसे भी नॉक कर देता हूँ, इसके तीसरे बंदे को मैं बहुत ज़्यादा लीड कर देता हूँ, इसको मैं लास्ट में ईजिली मार दूँगा। उससे पहले गन रिलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका तीसरा बंदा भी मुझे स्पॉट हो जाता है लेटा हुआ, जिससे मैं मार के एक तीन बंदों की सपोर्ट को वाइप कर देता हूँ। मुझे लगा कि क्या पता ये लोग आगे के बंदों के साथ फाइट ले रहे हो, मगर आगे गाड़ी तो खड़ी थी मगर कोई बंदा था नहीं वहाँ पे। तो मैं सोचता हूँ मेरे फाइव की एमो बहुत कम हो गई है, मतलब बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ी सी कम हो गई है, तो चलो थोड़ी फाइव की एमो ले लिया जाए। तो मैं यहाँ पर कुछ डिब्बे लूटने आता हूँ ताकि मेरे को थोड़ी फाइव की एमओ मिल जाए, लेकिन कुछ ज़्यादा फाइव की एमओ मिलती नहीं है फर्स्ट डिब्बे से, तो मगर दूसरे डिब्बे से मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। और ये देखो गाइस, यही गाड़ी थी जिसके मैं टायर फोड़ दिया था, और अब सामने की तरफ से M249 चलने की आवाज़ आती है। तो वहाँ पर मैं स्कोप इन करके देखता हूँ मगर कोई दिखता नहीं है, तो अब डायरेक्ट रश करके ही मारना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बंदे को M249 वाले ने नॉक किया रखा रहता है, तो मैं उसका किल चुका लेता हूँ बहुत इजीली। क्योंकि गाइस मेरे सामने अगर किसी को नॉक करके रखोगे तो मैं इतना दयालु तो हूँ नहीं कि उसको छोड़ दूँगा कि जा भाई तू अपने बंदे के पास जाके रिवाइव कर ले ले। अब M249 वाले बंदे तो मेरे को आगे 3 स्टोरी पे स्पॉट हो जाते हैं, मगर वहाँ पे तभी एक नेड फटता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ पे एक से ज़्यादा बंदे हैं। अभी यहाँ पे मेरे को 2 बंदे दिखते हैं, जिस वजह से मैं एक को इजीली लुढ़का देता हूँ। अब मुझे पता था कि वो लोगों को मेरी पोजीशन तो पता चल ही गई है, तो क्यों ना मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, और तभी मेरे पीछे रेड जोन बन जाता है। अब मुझे ऐसा लगा था कि क्या पता दूसरी टीम के बंदों ने स्क्वाड हाउस से नेट फेंका हो, अगर ऐसा होता नहीं है स्क्वाड हाउस से मेरे को कोई भी फुटस्टेप्स नहीं सुनाई देते हैं, तो मैं इस तरफ आ जाता हूँ, और इधर से मेरे को एक बंदे की डीपी ग्लिच हो जाती है। एग्जैक्ट वहीं पे मैं एक नेड फेंक देता हूँ और वो बंदा इजीली नॉक हो जाता है। अब मैं वहीं पे एक और नेड फेंक देता हूँ कि क्या पता वो बंदा वहीं पे हो और फिनिश हो जाए, अगर ऐसा होता नहीं है। मैं उसके आगे वाले खिड़की पे एक नेड फेंक देता हूँ मगर वो नेड कुछ ज़्यादा ही दूर चली जाती है। अब मैं वहीं खिड़की पे एक मॉली भी फेंक देता हूँ कि क्या पता अगर वहाँ पे कोई रिवाइव दे रहा हो तो वो लोग चल जाए, मगर यहाँ पे मेरा ही रास्ता ब्लॉक हो गया था। अब मेरे को एक बंदे की फुटस्टेप्स तो आ गई थी कि वो टूट जाए, मगर यहाँ पे इस बंदे से लड़ते समय मेरा जो पूरा ध्यान था वो इस बंदे पे चला गया था, और इस बंदे को मैंने देखा ही नहीं, सुना तो था लेकिन मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, गौर नहीं किया, मगर इस बंदे को मैं दोनों को इजीली ख़त्म कर देता हूँ। और अभी यहाँ पे मैं थोड़ा हेल्थ वेल्थ लगाऊंगा क्योंकि हेल्थ पूरा लो हो गया है मेरा। M249 होने के बावजूद इसने मेरे को नहीं मार पाया, तो भाई इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे अलावा 3 ही बंदे बच रहे थे, जिसमें से कि एक तो यहीं कहीं होगा क्योंकि नेड आ रहा था इन लोगों के ऊपर, और एक बंदा मेरे को स्पॉट भी हो जाता है सामने के पेड़ पे। तब मैं चाह रहा था कि वो एक बार पीक कर दे, मगर कहाँ भाई कहाँ वैसी किस्मत, और वो पीक तो करता है मगर मेरे को एक एमओ देके, मतलब एक शॉट देके चला जाता है। तो अब मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं उसको AWM से ही मारूंगा, और यहाँ पे मैंने एक ईजिली हेडशॉट से 1 shot 1 kill पे उसको ले लिया। अब मेरे अलावा बस एक ही बंदा बच रहा था, जैसे कि मेरे को मार करके एक बहुत ही प्यारा सा चिकन डिनर लेना था विथ 21 kills। उस बंदे को ढूंढने में मेरी जान निकलने वाली है, बस देखते रहो कैसे। अब मेरे पे 5 की एमओ बहुत ही कम थी, सिर्फ और सिर्फ 85 थी, तो मैं इस डिब्बे को लूटने आता हूँ, मगर इससे भी मेरे को ज़्यादा एमओ तो नहीं मिलती,
मगर कोई बात नहीं, एक ही बंदा है, मार लेंगे इतने एमओ पे। अब यहाँ पे मैं गाड़ी चेक लेने आता हूँ, लेकिन गाड़ी के नाम पे भी भाई क्या ही मिल जाता है। एक टेसिया मिलती है जिसमें भाई जीरो फ्यूल था। अब यहाँ पे गलती से मेरे से फ्लाई हैक लग जाता है, तो मैं तुरंत ही एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि मेरी अकाउंट बैन नहीं करवानी है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली है उस बंदे को ढूंढने के लिए। आप लोगों के लिए तो मैं इसे क्रॉप मतलब एडिट कर दे रहा हूँ, मगर यहाँ पे मेरे को कम से कम 2-3 मिनट लगा था उस बंदे को ढूंढने पे, और वो बंदा बस आप लोग देखते रहो कहाँ था। तो यहाँ पे मैं पूरे तरीके से ढूंढ रहा था कि क्या पता बाई चांस मेरे को बंदा कहीं लेट आ पड़ा दिख जाए, मगर उसके बाद जस्ट मेरे पीछे से कार 98 चलता है। तो मुझे पता तो चल गया था कि वो जो झोपड़ी है उसी में एक भोसड़ी है, तो अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि उस झोपड़ी में मैं एक नेड़ फेंकूँगा ताकि वो भोसड़ी मर जाए। ऐसा ही होता है, एक इजी चिकन डिनर मिल जाता है, वो भी 21 किल्स के साथ। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।